तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डायवर्जन टैक्टिक है। डायवर्जन किस चीज से हो रहा है? डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पांस बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है। और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए उनको, एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं, यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी,